बद्री का आश्रम की यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब पांडवों ने गंधमादन पर्वत पर पदार्पण किया, तो बड़ा प्रचंड पवन बहने लगा। वायु के वेग से धूल और पत्ते उड़ने लगे। उन्होंने अकस्मात पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर लिया। धूल के कारण अंधकार छा जाने से एक दूसरे को देखना और आपस में बात करना कठिन हो गया। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कम हुआ, तो धूल उड़नी बंद हो गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आकाश में क्षण-क्षण में बिजली चमकने लगी और वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी। कुछ देर पीछे यह तूफान शांत हुआ, पवन का वेग कम हुआ, बादल फट गए और सूर्यदेव उनकी ओट से निकलकर चमकने लगे। इस स्थिति में पांडव लोग प्राय एक कोस ही गए होंगे कि पंचाल राजकुमारी द्रौपदी इस बवंडर के उत्पात से थक कर शिथिल हो गई। वह सुकुमारी थी, इस प्रकार पैदल चलने का उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिए वह पृथ्वी पर बैठ गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोद में लिटाकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, अभी तो बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत आवेंगे, बर्फ के कारण उनको पार करना बड़ा ही कठिन होगा, उन पर सुकुमारी द्रौपदी कैसे चलेगी? तब भीमसेन ने कहा, राजन, मैं स्वयं ही आपको, द्रौपदी को और नकुल सहदेव को ले चलूंगा, आप चिंता न करें। इसके सिवा हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी बल में मेरे ही समान है, वह आकाश में चल सकता है। आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको ले चलेगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तो भीम, तुम उसे यहां बुला लो। उनकी आज्ञा होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? तब भीमसेन ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल, जिससे इसे कष्ट न हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूँ। तिस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूर वीर हैं, वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमश तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच की आज्ञा से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधों पर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिका आश्रम की ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी ही देर में वे उन्हें बहुत दूर ले गए। मार्ग में जाते हुए उन्होंने मलेच्छों से बसे हुए उस देश को तथा वहां के रत्नों की खानों और तरह-तरह की धातुओं से संपन्न पर्वत की तलेटियों को देखा। उस देश में अनेकों विद्याधर, किन्नर, गंधर्व और किम पुरुष विचर रहे थे तथा जहां-तहां बहुत से वानर, मयूर, चमरी गायें, रुरु, मृग, शूकर, गव्य, भैंसे और लंगूर घूम रहे थे। जगह-जगह नदियां भी दिखाई देती थी। इस प्रकार उत्तर कुरु देश को लांघकर उन्होंने अनेक आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा।
उसके पास ही श्री नर नारायण के आश्रम के दर्शन किए। यह आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहां उन्होंने उस गोल टहनियों वाले मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। इसकी छाया बड़ी ही शीतल और सघन थी, तथा इसके पत्ते बड़े चिकने और कोमल थे। उसमें बहुत मीठे-मीठे फल लगे हुए थे। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े, और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इस आश्रम में अंधकार नहीं था, किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी, तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निवृत्त हो जाता था। यहां महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी, तथा ऋक, साम, यजु रूपा ब्राह्मी लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे, उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, वे महर्षि और संयतेंद्रिय मुमुक्षु यति जन ही वहां रहते थे। इसके सिवा वहां ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्रह्मज्ञ महानुभाव भी रहते थे। जितेंद्रिय और पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। वे सब दिव्य ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने जब महाराज युधिष्ठिर को अपने आश्रम में आते देखा, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करने के लिए चले। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे। उन्होंने विधि पूर्वक धर्मराज का सत्कार किया, तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने भी बड़े विनय से महर्षियों का सत्कार स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्त्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। यह साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहां के सब स्थानों का दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए। वहां यह सीता नाम से विख्यात है, उसमें स्नान आदि से पवित्र हो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने ही में देव योग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ आया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह उस सौगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है, तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली आई। राज महिषी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उसे उड़ाकर लाया था, उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़ी तेजी से चले। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपना सुवर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पैने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथी के समान चलने लगे।
मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले संकरे मार्ग को रोककर लेट गए। वहां पड़े-पड़े जब ओंघ आने पर वे जंभाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता और उसके शिखर टूट-टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रोएं खड़े हो गए और वे उसके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब ओर घूमने लगे। ढूंढते-ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उनके ओठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था, भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफेद नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थी। उनके कारण उनका वदन किरण युक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा हो। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर-उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे।